नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। मैनेजर के साथ लूट की वारदात को अंजाम की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लूट की वारदात को ड्राइवर और हम्माल ने अंजाम दिया था। इसके लिए उन्होंने तीन लुटेरे हायर किए थे। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह लुटेरों से व्हाट्सएप कॉलिंग कर वाहन की लोकेशन बता रहे थे। बालमपुर घाटी पर बाइक सवार तीन लुटेरों ने मैनेजर से 4,21,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। बदमाशों ने चाकू अड़ाकर लूट की थी। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने लूटी गई रकम, मोबाइल बरामद किया है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि लूट की साजिश मैनेजर के साथ चल रहे लोडिंग वाहन के चालक और हमाम में रची थी। इसके लिए उन्होंने टीला जमालपुर के रहने वाले तीन लुटेरों को भाड़े में हायर किया था। एएसपी राजेश सिंह भदौरिया ने बताया कि रामगोपाल यादव सैनिटरी कारोबारी का मैनेजर है। शनिवार दोपहर रामगोपाल यादव कंपनी के लोडिंग वाहन में सैनिटरी का सामान विदिशा में डिलीवरी देकर वापस भोपाल आ रहा था। उसके साथ लोडिंग वाहन का चालक और हमला थे। रात करीब 9 बजे लोडिंग वाहन बालमपुर घाटी पर पहुंचा ही था, तभी बाइक से आए तीन लुटेरों ने वाहन को रोक लिया। पुलिस ने घटना के बाद जांच शुरू की। मैनेजर लोडिंग वाहन के चालक हमाल को मौके पर ले जाकर 5 बार घटना का रिक्रिएशन कराया। रिक्रिएशन में वाहन के चालक और हमाल की भूमिका पुलिस को संदिग्ध लगी। पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो आरोपियों ने गुनाह कबूल किया। सर, सूखे सेवनिया में एक लूट का पर्दाफाश कर दिया पुलिस ने 24 घंटे के अंदर। क्या पूरा मामला था, ये किस तरह से ये इसका परिप्राक्ष बनाया गया? थाना सूखे सेवनिया अंतर्गत एक बालमपुर घाटी घना जंगल है और सुनसान स्थान में रात्रि 9 बजे तीन बाइक सवार लुटेरों ने 4,21,000 रुपये चाकू की नोक पर लूटे थे। इसी पर से हमारे द्वारा और साथ में उनके फरियादी अन्य साथ वालों के साथ में धक्का मुक्की मारपीट की थी। इसी कड़ी में उनके साथ में अंततः जो घटनाक्रम हुआ उसमें धारा 394 IPC का केस रजिस्टर्ड हुआ। 394 IPC के तहकीकात में हमारे द्वारा स्पेशली 5 टीम बनाई गई। इन 5 टीम के द्वारा कड़ी मेहनत के परिणाम स्वरूप ये पाया गया कि जो फरियादी है उसके साथ लोडिंग ऑटो में जो व्यक्ति सवार थे उनके द्वारा उनको सामने वाले को गोपनीय रूप से सूचना पहुँचाई गई। वो लुटेरे इन्हीं के साथ साथ वाले की सूचना पर जंगल में पहुँचे। रात में न केवल फरियादी के साथ मारपीट की बल्कि वो दो लोग साथ में जिन्हें सूचना दी उनके साथ भी मारपीट की, जिससे पता नहीं लगे, भ्रम ना हो। और इनके द्वारा इस तरीके के जो सूचना पर से जो घटनाक्रम हुआ था जिस पर वो दोनों सूचक जो व्यक्ति गाड़ी में साथ में थे फरियादी के थे उनके और जिनके द्वारा अपराध पंजीबद्ध अपराध कारित किया गया था उनके, इस तरह से 5-4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके पजेशन से अभी तक 3,69,000 रुपये, लूटे गए मोबाइल, घटना प्रयुक्त चाकू आदि बरामद कर लिया है। माननीय न्यायालय से भी PR लिया गया है। आगे की साक्ष्यारोप कार्रवाई की जाए। सर, इसमें लुटेरे जो थे वो हायर कर रहे थे हमाल और ड्राइवर ने? हाँ, हमाल और ड्राइवर से पूछताछ में मोटिव आया है। हमाल और ड्राइवर की आने वाले 2 या 3 महीने बाद इनकी शादी होने वाली थी, निकाह करने वाले थे। सगाई दोनों की हो चुकी है। इनका था कि हम बड़े धूमधाम से शादी करें, इसमें खर्चा होना था। उस खर्चे को एंटिसिपेट करके इनके द्वारा लूट की प्लानिंग पिछले कुछ समय से बना रहे थे। इसी कड़ी में परसों यानी कि 28 अगस्त की रात्रि 9 बजे बालमपुर घाटी पर इनके द्वारा लूट कराई गई, जिसमें ये सूचना देने वाले दोनों आरोपी और घटना कारित करने वाले 3 में से 2 आरोपी अरेस्ट हो गए। घटना में जो लूटा गया मसरूका है, रुपये, मोबाइल जब्त हो गए। घटना में ने जो चाकू प्रयुक्त किया था वो भी जब्त हो गए।